दोस्तों, अगर आपके पास भी अपाची बाइक है और उसका इंजन सेट नहीं हो रहा है मैकेनिक के पास बार बार करवाने के बाद भी, तो आपको हम आज बताएंगे कि अपाची बाइक के अंदर कौन कौन से पार्ट चेंज करवाए जिसके बाद हमारी गाड़ी कम से कम 5 से 7 साल तक इंजन चले। दोस्तों, इस अपाची का जो इंजन हमने खोल रखा है और हम आपको इसका इंजन दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो इंजन हमने बाकी सभी पार्ट इसके पास कर रखे हैं, आप देख सकते हैं ये कैम शाफ्ट है, इसकी जो कैम शाफ्ट है बिल्कुल डैमेज है। और ये है इसका हेड कवर, और इसके जो हेड कवर मैं आपको रोककर दिखाता हूँ, इसका इंजन का जो साउंड था बेहद ही बेकार था। और दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, ये गाड़ी कम से कम तीसरी बार खुल रही है हमारे पास, तीसरी बार आई है। इससे पहले 2 बार किसी मैकेनिक भाई के पास खुली थी, जिसके बाद ये इंजन सेट ही नहीं हुआ, उसने पता नहीं किया क्या इसके अंदर। तो दोस्तों, ये इसका इंजन है और ये इसके चैम्बर, इसके चैम्बर हमने अभी वॉशिंग के लिए रख रखे हैं, कल इसका वॉशिंग कराएंगे। और मैं आपको इसका सामान दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये है इसका सामान जो हमने एक पेटी के अंदर रख रखा है, बॉक्स के अंदर रख रखा है दोस्तों। तो मैं आपको एक एक करके इसका सारा सामान दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये है इसका चैन सेट, हम इसके अंदर चैन सेट भी डालेंगे। ये है दोस्तों पैकिंग किट, और दोस्तों ये है क्लच वायर, क्योंकि इसकी जो क्लच वायर है बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में थी, जिसकी वजह से इसकी जो क्लच है प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। तो आप जब भी क्लच वायर भी डलवाते हैं तो क्लच वायर भी आपको ओरिजिनल डलवाना है। ये है दोस्तों इसकी क्लच प्लेट, यह है दोस्तों इसका प्लग कैप, और यह है दोस्तों इसका मेजर किट। इसका जो डिसमेजर किट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ब्रेक नहीं लग रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसका जो ब्रेक था आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री है, ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे इसके। यह है दोस्तों टाइमिंग चेन, इसकी टाइमिंग चेन भी हम चेंज करेंगे। पेट्रोल पाइप, ये दोस्तों ऑयल पम्प, इसके ऑयल पम्प में भी दिक्कत थी, तो हम इसका जो ऑयल पम्प है वो भी चेंज करेंगे। यह है दोस्तों ऑयल फिल्टर, यह है दोस्तों केम साफ्ट। अगर आपकी गाड़ी के अंदर हेड के अंदर आवाज़ है रोक कर की या केम की, तो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल ही डलवाना है। यह है सील दोस्तों, यह है दोस्तों प्रेशर प्लेट, हम इसके अंदर प्रेशर प्लेट भी डालेंगे। यह है दोस्तों हेड का और रबड़ सील, और यह भी आपको जरूर चेंज करवाना है, क्योंकि हेड के अंदर जो लीकेज होती है इसके कारण ही होती है दोस्तों। और यह है दोस्तों इसके रोकर, मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके जो रोकर हैं बिल्कुल ही डैमेज थे, तो यह है दोस्तों इसके 2 सेट के रोकर के। और यह है दोस्तों एयर फिल्टर, यह सील किट है दोस्तों, और यह है किक स्प्रिंग। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपाची बाइक का इंजन करवाते हैं तो आपको किक स्प्रिंग भी चेंज करवानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंजन का काम करने के बाद कुछ टाइम बाद स्प्रिंग टूट जाती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा धोखा होता है, क्योंकि इंजन खुले इंजन में तो डल सकते हैं, मगर इसकी जो किक स्प्रिंग है दोस्तों बहुत अंदर आती है, तो इसके लिए दोबारा इंजन ओपन करना पड़ता है। और ये है दोस्तों एस्केलेटर केबल, ये भी आपको ओरिजिनल डलवानी है, क्योंकि इसकी जो एस्केलेटर केबल थी दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो एस्केलेटर है साफ़ करने के बाद भी स्मूथ नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों इसके अंदर एक बैरिंग 6205 नंबर, हेड की डावल, एक स्पार्क प्लग बोस का, इंजन ऑयल 696 बोन, और ये है दोस्तों हमारा सिलेंडर किट। तो दोस्तों इसकी MRP है दोस्तों 2600 रुपये के आसपास, 2650 रुपये, और ये हमें ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, ये हमें पड़ा है तकरीबन 2150 रुपये के आसपास। और दोस्तों ये हमारे वॉल, इसकी MRP है 730 रुपये, और ये हमें लेंथ के लिए भेज रखा है, इसका जो हेड है, हेड और क्रैंक। तो दोस्तों अगर आपको आपकी बाइक का इंजन की लाइफ बनानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे पार्ट ओरिजिनल डलवाने हैं, और ये जो कुछ पार्ट हैं ये एक्स्ट्रा है इस बाइक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा खर्चा था गाड़ी के इंजन के अलावा। तो आप अगर अपनी बाइक का इंजन ओके कंडीशन में रखना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, अच्छा मैकेनिक के पास जाएं और इंजन का जो सामान है वो जेन्युइन डलवाएं, चाहे आप खुद खरीद के मैकेनिक को दें। अगर दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।